हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने हैचेट को एक्सप्लेन किया था, इसलिए अब मैं आपकी रिक्वेस्ट पर उसका सेकंड पार्ट यानी हैचेट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। हमने पहली मूवी की एंडिंग में देखा था कि क्राउली ने मैरी का गला पकड़ लिया था, जिसके बाद मैरी अपने हाथों से क्राउली के मुँह पर अटैक करती है और क्राउली की एक आँख बाहर खींच लेती है, जिससे क्राउली तड़पता हुआ पानी में गिर जाता है। फिर मैरी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। तभी पानी में तैरते हुए मैरी को आगे एक आदमी देख लेता है, जो मैरी को वहां से बाहर निकालता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। दरअसल ये आदमी जैक होता है, जो मूवी के पहले पार्ट में इन्हें वहां जाने से रोक रहा था, पर इन्होंने उसे पागल समझकर इग्नोर कर दिया था। अब मैरी जैक से बताती है कि क्राउली ने उन सभी को मार दिया है और वो अब उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच गई। इस पर जैक उससे कहता है कि मैंने तुम लोगों को वहां जाने से रोकने की काफी कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद मैरी बताती है कि वो यहाँ टूर करने नहीं बल्कि अपने पिता और भाई को ढूंढने आई थी, पर उस क्राउली ने उसके पिता और भाई दोनों को बुरी तरह मार दिया है। फिर जैक मैरी से उसके पिता का नाम पूछता है, जिस पर मैरी अपने पिता का नाम सैम बताती है। सैम का नाम सुनकर जैक काफी गुस्सा हो जाता है और वो मैरी से कहता है कि वो जल्द ही उसके घर से निकल जाए। जैक का अचानक ये रिएक्शन देखकर मैरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसके डैड का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों हो गया। तभी जैक एक शॉर्ट गन उठाता है और मैरी से कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो तुम रैप के पास चली जाओ, लेकिन तुम यहाँ एक भी मिनट मत रुको। जैक को इतना गुस्सा देखकर मैरी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद जैक को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन जैक एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी उसके पीछे से वहाँ क्राउली आता है, जो जैक पर अटैक करके उसकी आंतें निकाल देता है, जिसके बाद वो उसका गला कसने लगता है। अब गला कसने की वजह से जैक का गला धड़ से अलग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी रैप के शॉप तक पहुंच जाती है, लेकिन रैप इस समय उससे कुछ भी बातें नहीं करता और कहता है कि तुम बाद में आना। इस पर मैरी उससे कहती है कि उसे यहाँ जैक ने ही भेजा है और उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अब जैक का नाम सुनकर रैप मैरी को घर के अंदर बुला लेता है। अंदर आने के बाद मैरी रैप से वो सारी बातें बताती है जो पिछली रात उसके साथ हुआ है, लेकिन रैप सबसे पहले उससे उस बोट ड्राइवर के बारे में पूछता है, जिस पर मैरी उसे सोन के बारे में बताती है। अब ये सुनकर रैप कहता है कि वो बोट उसकी ही है और वो चोरी से सभी को टूर कराता है। इसके बाद मैरी रैप को अपने फादर का नाम बताती है और कहती है कि तुम उनके बारे में क्या जानते हो। उसके डैड का नाम सुनकर रैप मैरी को एक स्टोरी सुनाता है जो उसके डैड के बारे में होता है। रैप कहता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था, तब थॉमस नाम का एक आदमी अपनी वाइफ सैनन के साथ रहा करता था। सैनन को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी। सैनन की एक नर्स भी थी, जो अक्सर उसका इलाज करने यहाँ आती थी। नर्स के उसके घर बार बार आने की वजह से थॉमस उस नर्स को काफी पसंद करने लगा था, जिससे न चाहते हुए भी थॉमस अपनी वाइफ को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि अब वो उस नर्स से प्यार करने लग गया था। फिर धीरे धीरे समय के साथ उसकी वाइफ की तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई और वो सूख कर पतली हो गई, पर थॉमस ये देखकर कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन सैनन का दर्द कोई भी नहीं समझ रहा होता। फिर एक दिन ये देखते हैं कि सैनन कुछ भी नहीं बोल रही होती, जिसके बाद ये समझ जाते हैं कि अब सैनन मर चुकी है, इसलिए तब से वो उस नर्स के साथ रहने का फैसला करता है। लेकिन सैनन अभी मरी नहीं थी, वो उन दोनों को एक साथ ऐसा करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद वो नर्स के पेट में पल रहे थॉमस के बच्चे को श्राप देकर मर जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो समय आता है जब नर्स उस बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही बदसूरत होता है, जिसे देखकर वो नर्स खुद ही मर जाती है। थॉमस भी अपने बेटे के इस बदसूरती से नफरत करने लग गया था, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो अपने बच्चे से प्यार करने लगता है। फिर एक दिन वो हैलोवीन की रात आती है, जब थॉमस जंगल की तरफ गया हुआ था, जिसके बाद कुछ बच्चे आकर क्राउली के घर पर पटाखे फेंक कर उसे जला देते हैं, जिसके 10 साल बाद थॉमस भी मर जाता है। और तब से श्रापित क्राउली अपने फादर को उस दलदल में ढूंढता है और जो कोई भी वहां जाता है वो उसे जान से मार देता है। लेकिन इन सब से मैरी के फादर का क्या लेना देना है? तो दरअसल सैम उन 3 बच्चों में से एक था, जिन्होंने पटाखे जलाकर क्राउली के घर फेंके थे। इसके बाद मैरी रैप को वहां चलने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की डेड बॉडी लाकर उसे यहां दफनाना चाहती है। लेकिन रैप समझ चुका होता है कि मैरी को सिर्फ बदला चाहिए, जिसके कारण वो इसी बहाने वहां चलना चाहती।
जाती है, इसलिए रैप वहाँ चलने से साफ मना कर देता है। ये सुनकर मैरी उस पर इलीगल हंटेड टूर के बारे में धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। अब ना चाहते हुए भी रैप को उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ चलने के लिए मान जाता है, पर वो मैरी से एक शर्त रखता है कि मैरी को अपने अंकल बॉब को भी वहाँ ले चलना होगा। इस पर मैरी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैरी के यहाँ से जाने के बाद रैप जस्टिन को बुलाता है जो कि सॉन का जुड़वा भाई था। रैप उससे कहता है कि सॉन अभी तक बोट लेकर वापस नहीं आया है, इसलिए हम उसे ढूंढने वहाँ जाएंगे, और वो उससे सबसे होनहार हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें वो एक ट्रेंट नाम के आदमी को स्पेशली इन्वाइट करता है। अब उधर मैरी अपने अंकल बॉब को बुलाती है और उससे सब कुछ बता देती है, लेकिन यहाँ बॉब कहता है कि क्राउली बस एक अफवाह है जिसे कुछ लोगों ने फैलाया है, इसलिए वो इन सब बातों को पुलिस से बताने के लिए कहता है ताकि वो लोग पकड़े जाएं। फिर मैरी कहती है कि वो एक बार बस उसके साथ उस जगह पर चले, जिसके बाद वो पुलिस के पास चलकर ये बातें बता देंगे। बॉब उसकी ये बात मान जाता है। बॉब से ये कहकर मैरी दोबारा से रैप के पास जाती है जहां सभी हंटर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं। रैप उन हंटर्स से कहता है कि उन सभी को सॉन की बोट ढूंढने दलदल में जाना है, जिसके लिए वो उन्हें इनाम भी देगा। तभी रैप कहता है कि उन्हें किसी का शिकार भी करना होगा जिसका नाम क्राउली है। अब जैसे ही वो क्राउली का नाम लेता है तो सभी हंटर्स वहाँ से भागने लगते हैं। ट्रेंट भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रैप ट्रेंट को डबल पैसे देने की बात करता है, जिससे अब वो ना चाहते हुए भी वहाँ रुक जाता है। अब यहाँ पर बहुत कम ही लोग बचे हुए थे, जिसमें इनका नाम चैड, लेटन, बर्नन, एवरी, क्लैट्स और जॉन होता है। रैप सभी को इनाम के बारे में बताता है कि बोट लाने के $500 और क्राउली का सिर लाने वाले को $5,000 मिलेंगे, जिसके बाद ये सभी तैयारी के साथ यहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो जाती है, जिसके बाद ये सभी उस बोट को ढूंढने लगते हैं। तभी देखते ही देखते यहाँ काफी रात हो जाती है, फिर वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इन लोगों में मैरी और उसके अंकल, साथ ही रैप, जस्टिन और ट्रेंट क्राउली का घर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और उन हंटर्स में से दो आदमी उस दलदल में एलिगेटर पकड़ने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई क्राउली नाम का आदमी नहीं रहता है और इन्हें कोई भी इनाम नहीं मिलने वाला, इसलिए क्यों ना ये लोग एलिगेटर पकड़कर ही कुछ पैसे कमा लें। तभी इन्हें वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, पर ये लोग उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद कोई और है जो इनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई पड़ती है। अब ये सुनकर उसमें से एक हंटर झाड़ियों की तरफ बढ़ता है ताकि पता चल सके कि कौन है, लेकिन तभी उसमें से क्राउली निकल कर आता है जो उसे दबोचकर अपने हैचेट से बार बार अटैक करके मार देता है। इसके बाद वो उसके उस साथी को भी पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ रैप जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्राउली को मारने का प्लान है। वो उसे बताता है कि क्राउली के मरने में जिन तीन बच्चों का हाथ था उनमें से एक मैरी का फादर सैम भी था, और दूसरा उसका अंकल बॉब, और तीसरा ट्रेंट है जिसे डबल पैसे का लालच देकर रैप ने यहाँ बुलाया था। अब सैम को तो क्राउली ने मार डाला था, और जब वो इन दोनों को भी मार देगा तब उसका बदला पूरा हो जाएगा, जिसके बाद क्राउली का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा और हम वापस से स्वैम्प यानी दलदल में लोगों को टूर कराएंगे। अब आखिर में उन्हें क्राउली का घर मिल जाता है, लेकिन मैरी को वहाँ उसके पिता और भाई की डेड बॉडी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ लेटन और एवरी बाहर जंगल में होते हैं। फिर एवरी लेटन के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिसमें ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं, पर तभी क्राउली लेटन के पीछे से उसका गला काट देता है, जिससे एवरी को कुछ पता नहीं चलता। फिर जब वो पीछे देखती है तो वो ये सब देखकर एकदम से डर जाती है, जिसके बाद क्राउली उस पर हैचेट से हमला करता है जो उसके आर पार हो जाती है। उधर जॉन और बर्मन को झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। आवाज सुनकर ये दोनों वहाँ चेक करने जाते हैं। तभी क्राउली एक बड़ा सा चैनसो लेकर उनके सामने आ जाता है और पहली ही बार में वो दोनों को काट कर जान से मार देता है। तभी ये शोर सुनकर ट्रेंट अलर्ट हो जाता है। उधर जस्टिन और मैरी दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। अब यहाँ जस्टिन रैप का सारा प्लान मैरी को बता देता है। ये सुनकर मैरी अपने अंकल बॉब को बचाने के लिए जाती है। फिर जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके उसके सामने एक चेयर लगा देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि क्राउली उसके पीछे ही खड़ा है। तभी क्राउली एक ब्लेड से उसकी पूरी बॉडी काट देता है, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर उन लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी क्राउली ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेंट भी एक खतरनाक आदमी होता है, इसलिए वो कुछ देर तक उसका डट कर सामना करता है। ट्रेंट क्राउली को बहुत मारता है और मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है।
फिर जैसे ही वो क्राउली को जान से मारने जाता है तभी क्राउली उसका पैर तोड़ देता है, जिसके बाद वो ट्रेंट का सिर एक टेबल में फंसा कर उसे धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद रैप मैरी को जबरदस्ती ले जाता है और वो बॉब को वहीं अंदर ही बंद कर देता है। अब क्राउली बॉब को पकड़ लेता है जिसके बाद वो उसे जान से मार देता है। अब रैप समझ जाता है कि क्राउली का बदला पूरा हो गया है, इसलिए वो उसे छोड़ देगा और यहाँ वापस नहीं आएगा। मैरी रैप से ये सब पुलिस से बताने की धमकी देती है, जिस पर रैप उसे गन पॉइंट पर लेता है। तभी मैरी कहती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं है। दरअसल बॉब उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था और उसके अंकल बहुत सालों पहले ही मर चुके थे। ये सुनकर रैप काफी हैरान हो जाता है। रैप जब अपने सामने देखता है तो उसे क्राउली दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक हैचेट होता है, जिसके बाद क्राउली उस पर अटैक कर देता है और उसके शरीर के दो टुकड़े कर देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मैरी एक हैचेट से क्राउली के फेस पर अटैक करती है। मैरी उसके फेस पर काफी बार मारती है, जिससे उसका फेस ही खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फिंगर अभी भी हिल रहे होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्राउली अभी भी जिंदा है। फिर मैरी एक शॉटगन लेकर आती है, जिससे वो क्राउली के ऊपर शूट करती है, लेकिन अभी भी क्राउली मरा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको इसका थर्ड पार्ट भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।